जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पाती दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतींद्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतींद्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं।
चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं, चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुए में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक की यथार्थ समझ होती है। ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित तो होने वाला यह त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा में एक गुण भी बढ़ता नहीं और घटता नहीं, ऐसा मैं त्रिकाल चैतन्य रस से परिपूर्ण भगवान आत्मा जिसकी एक एक समय की पर्याय में ऐसी अनंत शक्ति है, अनंत सामर्थ्य है, पर्याय का उत्पाद हो, पर्याय का व्यय हो, फिर भी जो चैतन्य की ध्रुवता सदा है, यह ध्रुव सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व यह मैं निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय में भी जिस त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व हस्तक्षेप नहीं करता, ऐसी सहज निर्विकल्प अनुभूति जिस अनुभूति के बल पर यह यथार्थ समझ प्रकट हुई, अनादि से जगत के पदार्थों में परिणमन होता था, उन परिणमन की अवस्थाओं को जब ज्ञान जानता था तब यह मान्यता थी कि ज्ञेयो के कारण ज्ञान होता है, मगर जिस समय निर्विकल्प अनुभूति हुई तब ज्ञेय तो अकर्ता जाना, ज्ञेय ने अपनी ओर से कुछ भी प्रयास नहीं किया। जब आत्मा की ज्ञान की पर्याय में वह त्रिकाल स्वरूप प्रतिबिंबित तो होता है, वह स्वरूप कुछ नहीं करता क्योंकि स्वरूप का परिभ्रमण भी नहीं था और स्वरूप को इच्छा भी नहीं थी, स्वरूप में विकल्प भी नहीं थे, जिस स्वरूप को कोई शिकायत नहीं थी, यह चैतन्य स्वरूप अनुभूति के काल में बिल्कुल अलिप्त रहने वाला। यद्यपि पर्याय में द्रव्य की अनुभूति होती है,
मगर जो भी परिणमन होता है, जो कार्य होता है, वह कार्य पर्याय तक ही सीमित रहता है। मरने से पहले मिटने की कला सीख लेने का नाम निर्विकल्प अनुभूति है। देह के मरने की बात नहीं कर रहा हूं, पर्यायी की मृत्यु की बात कर रहा हूं। एक समय की ज्ञान की पर्याय, जिसका काल सुनिश्चित है कि एक समय का ही उसका जीवन है, मगर एक समय के जीवन में जब अनंत सुख भोगा जा सकता है, तो यह तो मनुष्य बहु कुछ समय का नहीं, बरसों का यह मनुष्य भव। जब एक समय की निर्विकल्प अनुभूति में अनंत संसार का विकल्प भी नहीं उठता, तब यह मनुष्य का लंबा जीवन, जिस मनुष्य के जीवन में यह बहुत बड़ा सुअवसर है स्वरूप की अनुभूति का। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति का, मरने से पहले मिटने की कला सीख लेने का। भूतकाल में यह प्रयास था कि संसार मिटे, भूतकाल में यह प्रयास था कि शत्रु मिटे, भूतकाल में यह प्रयास था कि राग और द्वेष के विकारी भाव मिटे, और राग द्वेष के विकारी भाव मिटे। शुरुआत तो मिथ्यात्व से होती है, इसलिए शुरुआत में ऐसा भाव आया कि मिथ्यात्व मिट जाए, मगर मिथ्यात्व को मिटाने का भाव, इससे कोई मिथ्यात्व मिटता है? ये तो और एक कचरा पैदा हुआ। मिथ्यात्व को मिटाने के लिए मिथ्यात्व का विकल्प काम में नहीं आएगा, मिथ्यात्व को मिटाने के लिए स्वयं को मिटना होगा। वो स्वयं को मिटने का भाव समझ लो। मिथ्यात्व रहे या मिटे उसकी ओर जोर नहीं, राग द्वेष के भाव रहे या मिटे उनकी ओर जोर नहीं, मगर जिस पर्याय में ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानने में आता है, तो जो प्रतिबिंबित तो होता है ज्ञान में, उस समय ज्ञान में ये जो त्रिकाल ज्ञेय प्रतिबिंबित तो हुआ, उस समय उस ज्ञान की पर्याय की रुचि ज्ञान की पर्याय में नहीं, और त्रिकाल सत्ता में ज्ञान की रुचि, तभी कार्य पूरा हुआ पर्याय में। मगर दृष्टि और जोर जो था, वो जोर द्रव्य पर था, त्रिकाली पर था। जैसे ही पर्याय पर ध्यान गया, जैसे ही पर्याय पर ध्यान गया कि वह आनंद छूट गया। इसलिए ऐसा आनंद जब अनुभूति होती है, तब वर्तमान की पर्याय में जैसे टॉर्च चालू करके रखी, और जिस पदार्थ पर यह टॉर्च का प्रकाश, जो प्रकाश जिस पदार्थ पर जा रहा है, वो है टॉर्च का प्रकाश। वो प्रकाश से वो वस्तु जो प्रकाशित हो रही है, मगर जब तक तुम्हारा जोर वह प्रकाश पर होगा कि प्रकाश कैसा, तब तक तुम उस वस्तु को एकाग्रता से न जान सकोगे। यद्यपि वो वस्तु को जानने का कार्य प्रकाश की उपस्थिति में होगा, वो प्रकाश में ही वो वस्तु जानने में आएगी, मगर प्रकाश की पकड़ छूटे बिना वो वस्तु ध्यान में नहीं आएगी। ये ज्ञान की पर्याय से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानने में आता है, तब जो ज्ञान का परिणमन है जानना,
ये ज्ञान का ऐसा निरपेक्ष परिणमन, जिस ज्ञान के परिणमन में कोई पराये की अपेक्षा नहीं। ज्ञान 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 जिसमें पराया जब मिले नहीं तब ये भेद नहीं रहता। ये ऐसे ही भेद नहीं रहता जैसे लोकाकाश और अलोकाकाश, ये जो दो भेद है ये आकाश में भेद नहीं है। लोकाकाश और अलोकाकाश ये आकाश के दो भेद नहीं है। ये दो भेद कहे और द्रव्यों की अपेक्षा से, अन्य द्रव्य की अपेक्षा से, कि जहां पांच द्रव्य का वास है वह लोकाकाश, जहां पांच द्रव्य का वास नहीं वह अलोकाकाश। आकाश को आकाश के कारण दो भाग में विभाजित नहीं किया। आकाश में पर की अपेक्षा आई जब, कि जहां पांच द्रव्य रहते हैं वह लोक और जहां नहीं रहते ये पांच द्रव्य वह अलोक। मगर आकाश को अपनी सत्ता के लिए ये पांच के होने और न होने से क्या संबंध। तब वह जो आकाश में भेद मिट जाता है, क्योंकि वो भेद तो पराये की अपेक्षा आती थी तब ये भेद उत्पन्न होता था। जहां पराये की अपेक्षा आती है तब ये भेद उत्पन्न होता है, बाकी आकाश में तो भेद है ही नहीं। आकाश दो द्रव्य थोड़ी है, इसलिए जीव अनंत कहे, पुद्गल अनंतानंत कहे, धर्म अधर्म और आकाश को एक 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 कहा, आकाश को दो नहीं कहा। संख्या की दृष्टि से आकाश एक द्रव्य है, तो आकाश अपनी सत्ता में एक है, ऊपर की अपेक्षा आए तो ये भेद। और ज्ञानी को प्रत्येक ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए तब ज्ञान में भेद नहीं दिखता। उसका कारण यह है कि पर की अपेक्षा जब ज्ञान में मिले तो ज्ञान में भेद खड़ा हो, मगर ज्ञान में वहां पर की अपेक्षा नहीं। पहले समय की ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय कौन था? ज्ञान की अवस्था ऐसी थी, किसको जाना? तो कोई एक पदार्थ को जाना, फिर दूसरे पदार्थ को जाना। तो ज्ञान की अवस्था में जो ये भेद है वो भेद ज्ञान का भेद नहीं है, वो तो ज्ञेयों का भेद है। वो तो पर की अपेक्षा जहां आई, बाकी ज्ञान का जो जानने रूप कार्य है उस जानने रूप कार्य में वो दो जो ज्ञेय अलग अलग है, वो ज्ञान की अवस्था में जानने जानने में कोई भेद नहीं होता। ये ज्ञान का ऐसा सामान्य जानने रूप परिणमन। ये जो ज्ञान का जानने रूप परिणमन है ऐसे ही है, पर की अपेक्षा आए तो भेद, पर को देखा ही न जाए, पर की ओर जोर ही नहीं, तो देह के दो भेद नहीं रहते। एक देह होता है जीवित देह और एक है मृत देह। ये जीवित देह और मृत देह ये दो भेद है, मगर ये देह के कारण भेद नहीं है, क्योंकि जीवित देह में जो स्पर्श रस गंध वर्ण और मृत देह में जो स्पर्श रस गंध वर्ण गुण तो दोनों में एक से ही है, अलग अलग नहीं, वही गुण है। एक से कहने में भी वो भेद हो कि थोड़ा ये अलग होगा वो अलग होगा एक सा, मगर अलग अलग ऐसा भी नहीं, वही गुण है। जो स्पर्श गुण पहले था जीवित देह में वही स्पर्श गुण मृत देह में है। जब जीवित और मृत देह ये दोनों में एक ही स्पर्श रस गंध वर्ण रहते हैं तो फिर भेद क्यों? वो जीव की अपेक्षा आई तो देह में दो भेद खड़े हुए। जैसे पांच द्रव्य की अपेक्षा से लोक अलोक, जैसे जीव की अपेक्षा से जीवित मृत, ऐसे ही ज्ञेयों की अपेक्षा आती है तो यहां भेद दिखता है। और जिसने ज्ञेयों की ओर जोर नहीं दिया उसे यहां प्रति समय ज्ञान ज्ञान और ज्ञान का ही अनुभव होता है, स्वानुभव होता है। ये ज्ञान की अवस्था, ज्ञान की अवस्था स्वतंत्र है। और जिस समय ज्ञान की जानने रूप एक एक समय की पर्याय, यही ज्ञान, तब पूरा जोर ज्ञान का,
ज्ञान का जो विषय बना, ज्ञान में तो सहज प्रतिबिंब होता है, ज्ञान को विकल्प नहीं, ज्ञान की पर्याय की भी बात है, हाँ? ज्ञान की पर्याय में भी कोई खुशी नहीं होती, ज्ञान की पर्याय भी निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी उतनी ही उदासीन रहती है जिस समय निगोद की अवस्था में उदासीन थी। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो है, मगर एक समय की ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय भी उदासीन रहती, निगोद में भी उदासीन रहती है। इसलिए जो कहा ना, भगवान आत्मा परमात्मा है। परमात्मा क्यों? क्योंकि कोई बैर विरोध नहीं, कोई रिएक्शन नहीं है, जहां वो भगवान जानता है सब कुछ, मगर कोई रिएक्शन नहीं। ऐसा जो केवल ज्ञान, ऐसा ही ये मेरा ज्ञान तुम्हारा ज्ञान, कि जिस ज्ञान ने आज तक कोई रिएक्ट नहीं किया और जानने जानने के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं, और वो ऐसी ज्ञान की सहजता है। जब मैं ये कहूं ना मेरे साथ में यात्रा करना, तो ज्ञान ने आज तक कोई विरोध नहीं किया। जैसे जैसे तुम उस ज्ञान के स्वरूप को समझोगे कि उस ज्ञान ने कोई विरोध नहीं किया, तब तुम्हें स्वयं में परमात्मा का ऐसा एहसास होने लगेगा कि मैं ही परमात्मा, क्योंकि कोई विरोध नहीं करता, कोई विरोध नहीं करता, कोई प्रतिकार नहीं वहां। ऐसा ये ज्ञान, ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसा ये ज्ञान, उसमें भी एक समय भी जब ये स्वरूप ही ये है, फिर उससे क्या फर्क पड़ता है? फिर अगले समय में ज्ञान की पर्याय कैसी होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी कैसी ज्ञान की पर्याय होगी, ज्ञान की अवस्था कैसी होगी, जगत को जानेगा ज्ञान, केवल ज्ञान होगा तो जगत को जानेगा, लोकालोक को जानेगा, तो लोकालोक को जानने वाला ज्ञान उस समय क्या होगा? एक समय की निर्विकल्प अनुभूति से ये सब विकल्प मिट जाते हैं, क्योंकि ये श्रद्धा हुई कि ज्ञान की पर्याय कैसी भी परिणमित तो हो, मगर परिणमन को जहां नहीं देखा, सत्ता को देखा और सत्ता का दर्शन हुआ। ज्ञान में त्रिकाल सत्ता का जब प्रतिबिंब पड़ा, तब जो एकत्व किया ने, वो एकत्व भी श्रद्धा ने किया, ज्ञान ने नहीं। इसलिए ज्ञान निर्दोष है। ज्ञान में इसलिए निर्दोषता है, निर्दोष ज्ञान। प्रत्येक अज्ञानी निर्दोष है। अज्ञान कहा, अज्ञान कहा, अज्ञानी कहा, अज्ञानी का अर्थ जड़ नहीं। ज्ञान को ज्ञान की पहचान नहीं है, ऐसा जो ज्ञान वह अज्ञान है। ज्ञान तो है, मगर ज्ञान से ज्ञान की पहचान नहीं हो रही है, इसलिए उस ज्ञान को अज्ञान कहा। अज्ञानी का ज्ञान अज्ञान, मगर अज्ञान भी तो एक ज्ञान है। अज्ञानी कहा ना, जड़ नहीं कहा, चश्मे से देखने वाला कहा, अंधा नहीं कहा। वहां ज्ञान तो है, मगर ज्ञान की वर्तमान में जो परतंत्रता है कि जिस ज्ञान ने ज्ञान को नहीं जाना, ऐसी जो स्थिति है, उस कारण से अज्ञानी। ज्ञान में तो कोई भी उस समय निश्चिंतता रहती है, ऐसी निश्चिंतता रहती है। इसी के बल पर श्रद्धा, निरंतर जब ज्ञान का विचार चलता, तत्व विचार, यही तत्व विचार, वो उससे जो उदासीनता है ना, वो उदासीनता के आश्रय से उदासीनता प्रकट हो सकती है। उसके साथ में ऐसी तन्मयता हो तो पर्याय में भी ऐसी दशा प्रकट होती है। पर्याय में ऐसी दशा, सामने जैसा है तो यहां पर भी, कि जिसका लक्ष्य उदासीनता की ओर है, तो पर्याय में भी जो
ऐसी उदासीनता प्रकट होती है, विकल्प हो कैसे? जब तक ऐसी दशा है ना, तब तक ऐसे निमित्तों से बचना जहां विकल्प होते हैं, ऐसी ऐसी स्थिति से बचना, ऐसे योग से बचना। परम कृपालु देव ने कहा ना कि जब तक जीव की दृष्टि निमित्ताधीन है, सदनिमित्त में रहना जीव का कर्तव्य है, तो जब तक ऐसी दशा है तब तक सदनिमित्त में रहना, ऐसे निमित्त में नहीं रहना कि जहां विकल्प होते हो। अब तुम इसका अर्थ क्या लेते हो? ऐसे योग में मत रहना जहां विकल्प होता हो। तुमने इसका अर्थ ये लिया कि पत्नी के साथ में बहुत ज्यादा विकल्प होते हैं, पति के साथ में बहुत विकल्प होते हैं, इसलिए उससे दूर रहना, उसको देखना भी नहीं। गुरु ने यह कहा कि जहां विकल्प होते हैं उससे दूर रहना, उससे मुंह घुमा लेना। और तुमने जो सुना उसका अर्थ तुमने ये लिया कि पति पत्नी के बात है, माता पिता पुत्र पुत्री की बात है, या घर की बात है, दुकान की बात है, कि जहां ये विकल्प होते हैं उन्हें छोड़ना। मगर वो दुकान की बात नहीं थी, मकान की बात नहीं थी, पति पत्नी पुत्र पत्नी ये सब उनकी बात नहीं थी, ये पर संयोग की बात नहीं थी, क्योंकि वहां तो विकल्प होता ही नहीं। दुकान में थोड़ी विकल्प होता है। जहां विकल्प होता है वहां से बचना, अर्थात आत्मा की पर्याय में जो विकल्प होता है, कहां से बचना था? जहां विकल्प होता है वहां से बचना। तो पर्याय में जो विकल्प होता है वहां से बचना था, तो वहां से कैसे बचे? कि पर्याय में जो विकल्प हो रहा है वो ज्ञान का ज्ञेय है, वो ज्ञान का ज्ञेय है, वो पर की अपेक्षा आई। और ज्ञान ज्ञान और ज्ञान, ज्ञान की ओर जब तुम्हारा ध्यान जाए तो वहां तुम्हारा ध्यान रहेगा कैसे? जहां विकल्प होते हैं नियम से अनुभूति होगी। जहां विकल्प होते हैं वहां संयोगों से देखोगे ना, तो अनुभूति हो नहीं हो कोई जरूरी थोड़ी है। घर में रह करके विकल्प होते हैं तो जंगल में चले गए, तो जंगल में चले जाने से अब अनुभूति नहीं हुई, निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि घर में विकल्प होते ही नहीं थे। उसने जहां विकल्प होते थे वहां से मुंह नहीं घुमाया। और विकल्प आत्मा की पर्याय में ये जो तरंग उठती है उसका स्वरूप समझ करके भेद विज्ञान हो, ये निर्विकल्प अनुभूति से पहले ये तत्व विचार होता कि जहां जहां विकल्प होता है, ये विकल्प 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 हो रहा है, कैसा शक्तिशाली ये ज्ञान, अनंत विकल्प जिसमें प्रतिबिंबित हो। मगर जैसा निर्मल निर्मल जल है ना, निर्मल जल ऐसा सरोवर है, निर्मल जल भरा है उसमें, और आसमान के सितारे, वे सब सितारे आसमान के निर्मल जल में प्रतिबिंबित होते हैं, कितने हैं गणे गणाई नहीं, विणे विणाई नहीं, तो ही मारा आभला मा माई जे। इतने जो सितारे हैं जो गिने नहीं जा सकते, मगर वे सितारे इतने पानी में प्रतिबिंबित हो, मगर पानी में थोड़ी भी तरंग न उठे, ऐसे ही अनंत विकल्प जिस ज्ञान के निर्मल ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, मगर ज्ञान में कोई तरंग नहीं उठती, ऐसी ज्ञान की स्वच्छता। ऐसा यही जब विचार होगा ना, ज्ञान 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 ज्ञान, अब कौन से मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए मैं बैठा था, वो भाव ही मिट जाएगा। मिथ्यात्व भी मिट जाएगा, वो भाव भी मिटेगा, मिथ्यात्व तो मिटेगा,
क्योंकि स्वरूप के आश्रय से मिथ्या तो मिटे बिना कैसे रहे। इसलिए मिथ्या तो को मिटाना नहीं है, सिर्फ जो ज्ञान की पर्याय में पर्याय हूं इसकी ओर जोर देती, उसने पर्याय ने मरने से पहले मिटने की कला सीख ली। मरने से पहले मिटने की कला, पूरी तरह से एकाग्रता से सुनना, पूरा कार्य का होगा कान में होगा, वाणी तुम सुनोगे, कान खोल करके वाणी सुनना, कान खोल करके मेरी बात को सुनना, पूरी तरह से कान खुले, पूरी तरह से तैयारी। मगर जब सुनते हो उस समय तुम्हें कान का विकल्प भी नहीं, उसको मैं कहता हूं मिटने की कला। यहां से मिट गए तो कार्य यहां होता है, मगर यहां से मिट जाना तब वो ध्वनि अंदर में सुनाई देगी। ऐसे ही पर्याय में द्रव्य की अनुभूति होती है, मगर पर्याय मिट गई और पर्याय ने ये स्वीकार किया कि मैं द्रव्य, कान स्वयं मिट करके वाणी को सुने, ये बात ऐसी है। मरने से पहले कान तो ये मरने वाला, अगर मरने से पहले यदि मिट जाए तो वो ध्वनि सुन ले, मगर वो तो कितने 20 साल 40 साल 60 साल कब मरे, ये पर्याय एक एक समय में मरती है, उसे मरने से रोका ही नहीं जा सकता, मगर मरण से बचा जा सकता है, पर्याय को मरने से रोका नहीं जा सकता। ऐसा है, जिंदगी जितनी मिली है ना, कल की फिक्र क्यों है? हाँ, चार्वाक मत परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा है यह स्वरूप बताया। चार्वाक दर्शन ऐसा है ना, आत्मा को नहीं मान, उसका मानना ये है खाओ पियो और मौज करो, कोई आत्मा नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भगवान नहीं, खाओ पियो मौज करो। ये जो जिंदगी मिली है खाने पीने के लिए मिली है, खाओ पियो मौज करो, ये तो नास्तिक लोग है ना, नास्तिक लोग ये कहते, जिंदगी मिली खाओ पियो मौज करो, आनंद भोगो, जिंदगी मिली है ना। और मैं ये कहता हूं वास्तव में तो आनंद भोग लो, जिंदगी मिली है, ये तो आस्तिक ही कह सकता है, नास्तिक नहीं कह सकता। और आस्तिक तो प्रयोग करता है, प्रैक्टिकल ये करता है, ये जिंदगी मिली है भोग लो। जिंदगी कितनी, एक समय की जिंदगी, प्रत्येक पर्याय में ये जागृति, एक समय का ये जीवन, अगले समय तो कहां जिंदगी, क्योंकि ये तो मरने वाली है, ये पर्याय मरने वाली, जैसे 50 साल के बाद में ये जीवन खत्म, एक समय की पर्याय में ये जीवन खत्म खत्म, एक समय की पर्याय का ये एक समय में ये जीवन समाप्त, और मरने से पहले जो एक समय का जीवन है उस जीवन में अनादि अनंत का भोग हो सकता है। खाओ पियो नहीं, भोग तो होगा, उपभोग होगा, जिंदगी मिली है तो भोग लो, जिंदगी मिली है तो भोग लो, मगर भोगते समय जिंदगी का विकल्प नहीं, पर्याय मिली है एक समय की तो भोग लो, मगर द्रव्य का जब भोग हो तो पर्याय में पर्याय का भी विकल्प नहीं है, पर्याय का जोर द्रव्य पर, इसलिए आत्म जागृति पर जोर नहीं, क्योंकि वो पर्याय, जागृत पर जोर है, पर्याय के जोर से पर्याय प्रकट नहीं होती, ये द्रव्य का जोर ऐसा। इसलिए क्या कहा, मरने से पहले मिटने की कला परम कृपालु देव ने ही कहा। समझ, आत्मसिद्धि शास्त्र में समझ पर जोर दिया ना, स्वानुभूति से स्वरूप समझ,
लोग ये मानते हैं स्वरूप को समझ लो और फिर स्वानुभूति करो। स्वरूप की समझ से स्वानुभूति कैसे हो? स्वरूप की समझ से स्वानुभूति नहीं होती, स्वानुभूति से स्वरूप की समझ होती। जैसे 4 बजे आत्मा की समझ आई तो 4 बजे स्वानुभूति हुई, ऐसा नहीं। 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, स्वानुभूति हुई कि उस समय आत्मा की श्रद्धा सच्ची हुई, आत्मा का ज्ञान सम्यक हुआ, वो अनुभूति हुई कि यह रत्नत्रय प्रकट हुआ, यह समझ प्रकट हुई अनुभूति में। अनुभूति होने पर उससे पहले जो समझा था ने, वो समझा नहीं था, वो सिर्फ जाना था, समझा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं जानने पर श्रद्धा की मोहर लगती है, तब वह जानना समझ हो जाता है। जानने पर श्रद्धा की मोहर, ज्ञान ने तो मोहर भी नहीं लगाई, ज्ञान ने सिर्फ जाना। इसलिए तो ज्ञान में कोई दोष नहीं, पहले भी दोष नहीं था और बाद में भी नहीं। जिसने मोहर लगाई वो पहले दोष वाली थी, वह दोष वाली थी, वो मिथ्यात्व था, और फिर सम्यक दर्शन हुआ तो श्रद्धा की मोहर लगी। मगर जब तक मोहर नहीं लगी तब तक वो श्रद्धा मिथ्यात्व रूप थी, और मिथ्यात्व दोष है। मोहर लगाने वाली पहले दोष रूप थी, मगर ज्ञान ने तो मोहर अभी भी नहीं लगाई। ज्ञान तो पहले भी निर्दोष था, अभी भी निर्दोष है। स्वानुभूति ज्ञान की पर्याय में अनंत विकल्प प्रतिबिंबित हो, मगर ज्ञान से ध्यान विकल्पों की ओर न जाए। अभी तो बहुत विकल्प होते हैं, इतने पाप के विकल्प होते हैं, तो क्या करूं? पाप के विकल्प होते हैं तब भी पाप से छूटने का प्रयास करूं, या फिर ये विकल्प मैं हूं नहीं हूं और ज्ञान में हूं ये विचार करूं, क्या करूं? पाप को छोड़ो या नहीं, पाप भी छूट जाएगा। मगर पाप के छूटने से पहले तो पुण्य हो, पुण्य पाप और निर्विकल्प अनुभूति के बीच में पुण्य होता है। तो पाप को छोड़ना नहीं है, पुण्य करना नहीं है। हमेशा याद रहे कितने भी तुम्हें पाप के विकल्प आए, उस पाप के विकल्प को छोड़कर पुण्य में मत लगना। ये कला है, कला समझना कि रसगुल्ला खाने का भाव आया तो ये जो भाव आया है कि अब ये तो पाप का भाव, पाप से सीधा तो निर्विकल्प ध्यान में आज तक कोई लीन नहीं हुआ। शुभ से शुद्ध हुए, अशुभ से शुद्ध नहीं। तो पहले तो भगवान की भक्ति करूं ने, पहले तो शास्त्र का स्वाध्याय करूं ने, प्रवचन तो सुनूं ने, पाप से पुण्य की ओर तो जाओ, फिर पुण्य से धर्म की ओर। नहीं, जब भी पाप के भाव होते हैं तब ये भेद विज्ञान कि ये विकल्प मेरा स्वरूप नहीं, मैं चैतन्य। क्योंकि ये जो तुम्हारा तत्व विचार है, ये तत्व विचार ही तो पुण्य रूप है। नया पुण्य वो मंदिर में नहीं करना, ऑटोमेटिक पाप से पुण्य तो हो ही गया जब ये विचार चालू हुआ। अनुभूति तो बाद में होगी, ये विचार के फल में अनुभूति होगी। इसलिए कहा कि कैसे भी तुम पापी हो, तुम शुरुआत तो चैतन्य से ही करना। क्योंकि चैतन्य के चिंतन से, सुनना, चैतन्य के चिंतन से महान कोई पुण्य नहीं। धर्म नहीं कह रहा हूं,
क्योंकि चिंतन निर्विकल्प अनुभूति नहीं है, तत्व विचार। ये तत्व विचार भगवान, ये विकल्प तो होंगे मगर विकल्प में भी जोर ज्ञान का जोर होगा। ये विकल्प की औकात क्या है? शरीर तो चलो ठीक है, शरीर तो ठीक है, अरे ये शरीर विकल्प 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 विकल्प। शरीर शरीर जब खत्म हो जाता है ना, शरीर खत्म हो जाए तो शरीर की निशानी तो कम से कम बचती है, कुछ निशान बचता है ना। शरीर खत्म हो गया, जल गया तो क्या हुआ कि राख बची, तो शरीर की तो राख तो बचती है मगर ये विकल्प की खत्म हो तो उसकी कोई निशानी भी नहीं बचती। ऐसा ये विकल्प अज्ञानी वो विकल्प के कारण परेशान होता है जिसकी राख भी नहीं बचती। लकड़ी को जलाओ तो राख हो जाएगी, कुछ तो बचेगा, कुछ तो बचेगा। पेट में भोजन डाला तो विस्ता हो जाएगा, कुछ तो वहां बचेगा। मगर विकल्प जो है, अनंत अनंत विकल्प हुए थे, वे विकल्प जब खत्म हो जाते हैं तो कुछ भी नहीं बचता, उसकी निशानी नहीं बचती। ऐसी ये विकल्प से न्यारी ये ज्ञान की यात्रा, ये विकल्प से न्यारी ज्ञान की यात्रा। जहां विकल्प है वहां मैं नहीं, मगर अलिप्तता, ऐसा ज्ञान संपन्न भगवान आत्मा। ये पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी की पुकार कि ऐसा अनंत शक्तिशाली भगवान आत्मा, ज्ञान का सागर, विद्या सागर, मुझे विद्या सागर अविस्मरण में आए। बंगाल में एक महान विचारक विद्यासागर हुए, नाटक देखने के लिए गए थे। लोगों को नाटक देखने का बहुत मन होता है, पता है सब झूठा है, फिर भी नाटक देखने जाते हैं, बिल्कुल झूठा खेल है तो भी देखने में मजा आता है। विकल्प भी एक झूठा खेल है, नाटक है। पता है कि नाटक देखने गए हैं, वापिस आएंगे, सूखा रुमाल लेके गए हैं, गीला लेकर आने वाले हैं, बिल्कुल पता है। विद्यासागर वो नाटक देख रहे थे। नाटक में एक दृश्य आया, अभिनेता ने किसी महिला को छेड़ा, महिला को परेशान करने लगा। विद्यासागर ने थोड़ी देर तो देखा मगर फिर उससे नहीं रहा गया। उसने अपना जूता निकाला और जोर से उस अभिनेता की ओर ऐसे मारा कि अभिनेता को जोर से लगा, चोट लगी, मगर अभिनेता भी अभिनेता था। उसने उस जूते को अपने सिर पर विराजमान किया, स्थापित किया और दो हाथ जोड़ करके विद्यासागर को प्रणाम किया। उसने ये कहा कि आज जो मुझे प्रमाण पत्र मिला है, इस प्रमाण पत्र को मैं अपने जीवन में कभी न भूलूंगा, क्योंकि विद्यासागर जैसा ऐसा ज्ञानी व्यक्ति, वह भी मेरे इस अभिनय को इतना सत्य मान गया हो, मेरा अभिनय कैसा होगा। मुझे उसने ये पदवी दे दी कि तुम्हारा अभिनय अभिनय नहीं, ये तो सत्य है,
ऐसा विद्या सागर, ऐसा ज्ञान वाला आज मैं जीत गया, मुझे पुरस्कार मिल गया। उस अभिनेता को पुरस्कार मिला या न मिला मैं नहीं जानता, मगर मैं ये जान रहा हूं कि अनादि काल से एक एक विकल्प को पुरस्कार मिल रहा है, क्योंकि प्रत्येक विकल्प ये घोषणा करता है कि ऐसा विद्यासागर ज्ञान स्वभावी आत्मा, और हम तो कठपुतली, हम तो विकल्प नाचने वाले, मगर आत्मा का ज्ञान हमें सच्चा मान लेता है कि अरे ये विकल्प तो सच्चे है। विकल्प, प्रत्येक विकल्प को पुरस्कार मिल रहा है। नृत्य में सत्य की कल्पना, इससे बड़ा असत्य और क्या होगा। ये जिंदगी भी हमारी ऐसी ही है, बिल्कुल झूठी, बिल्कुल झूठी जिंदगी, मगर झूठ में भी एहसास नहीं होता है कि यह झूठी, वरना इतनी पकड़ नहीं रहती। एक आदमी मुझे अभी स्मरण में आया, बहुत धन कमाया था अपने जीवन में, पत्नी बीमार पड़ी, पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था मगर लेकर के ही नहीं गया। लोग कहने लगे इतना धन कमाया है क्या करोगे, थोड़ा तो खर्च कर दो, न खाने पीने में धन का उपयोग करे। वास्तव में धनवान खा पी नहीं सकते, गरीब ही खाना खा सकते हैं, पी सकते हैं, धनवान तो गिनती कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा धनवान था। लोगों ने जब कहा कि बहुत कमा लिया अब पत्नी के लिए थोड़ा खर्च करूं, कहता है पत्नी जब मरने ही वाली है तब कौन बचा सकता है मरने से, प्रभु इच्छा, ईश्वर इच्छा। सिद्धांत की बड़ी बड़ी ज्ञानियों की बातें करने लगा। अक्सर ऐसा होता है बेईमान लोग अपनी कमजोरी को सिद्धांतों में छिपाने का प्रयास करते हैं। उस आदमी ने भी यही किया, जो मरना है वह मरता है, और हुआ यूं कि पत्नी मर गई, पत्नी की लाश पड़ी। गांव के लोगों ने कहा अब इसकी अर्थी की तैयारी तो करो, विधि करो। कंजूस बोला जब मर ही गई तब अब क्या, क्या खर्च करना। एक रुपया भी खर्च नहीं किया जिस पत्नी ने जीवन समर्पित किया था पति के लिए, मगर अक्सर धनवान पतियों की यही हालत होती है। इसलिए धनवान पतियों को पाकर के पत्नी की यदि वेदना है तो वेदना यह है कि उसकी नजर में कुछ और था और धनवान की नजर में कुछ और, मेल ही नहीं खाता, बस तकलीफ यहां है। मगर वह दिन आया जब पति वो कंजूस खुद मरने की तैयारी में, तब गांव के लोगों ने कहा अब तो छोड़ने का समय आया, अब तो छोड़ो। उसने कहा नहीं, मैं तो साथ में लेकर जाऊंगा, है सब छूटेगा मगर मैं तो
पूरा प्रयास करूंगा, साथ में लेकर जाऊंगा। सब कहते हैं सब छूटने वाला, मगर मानने वाले सम्यक दृष्टि, उनकी दृष्टि में इतना तेज है कि दूर तक जाग सकते हैं, और दूर कितना अनंत तक जाग सकते हैं, क्योंकि अनंत काल तक टिकने वाली सत्ता में उस वस्तु को नहीं देखा जिस वस्तु के पीछे अभी दौड़ है। इसलिए तो उस कंजूस ने मरते दम तक इलाज न करवाया, और जितनी कमाई थी गठरी इतनी बड़ी गठरी सिर पर गंगा में जा रहा है, मरने के लिए गंगा के मध्य में, मल्ला था नावी, उसको कहा आधी रात को जगा करके अंदर ले जाऊं, बस उसने कहा कहां मुझे जगाया आधी रात को, मगर जब आपको इतनी जरूरत है और आधी रात को मैं अपनी नींद खराब कर रहा हूं तो एक शर्त है, इसके बदले में तुम तो इतने धनवान हो, इसके बदले में एक सोना मोहर तुम्हें देनी होगी। कंजूस कहता है इतने तो दूर जाना है, उसके बदले में एक सोना मोहर, मरने जा रहा है, थोड़ी देर में मरने वाला है, मगर फिर भी वो गठरी में इतनी सोना मोहर है, एक सोना मोहर, बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ। पूर्णिमा की चांदनी, मगर भीतर में अज्ञान की अमावस, सब अगले भव में मिलेगा। गंगा में डुबकी लगाऊंगा, सब अगले भव में साथ में आएगा। यही तो कारण है कि अक्सर धनवान लोग तीर्थों में मरते हैं, यही आशा से कि अगले भव में यहां का कुछ साथ में आ जाए। ज्ञानी तीर्थों में नहीं मरते, ज्ञानी जहां मरते वहां तीर्थ बनता है। धनवान की तैयारी, उस कंजूस ने अपनी गठरी में से एक स्वर्ण मुद्रा सोना मोहर देने की तैयारी तो बताई, मगर फिर वो चंद्रमा की वो चांदनी की रात उसमें वो देख रहा है, छांट रहा है कि कौन सी मोहर सबसे छोटी है। और जब उसने सबसे छोटी मोहर को ढूंढ लिया और जैसे ही हाथ लगाया और देने ही जा रहा था कि दो उंगलियों के बीच में पकड़ी हुई वो मोहर ऐसे की ऐसे नीचे गिर गई जमीन पर, और वहीं पर ही मृत्यु हुई। वो पकड़ जो है वो पकड़ अनंत काल से ऐसी ही रही है। हे ज्ञान दीपक, समझ का स्वामी तो स्वयं स्वानुभूति से वंचित क्यों? यह जागृति प्रति समय तुम्हें यह जागृति हो, हे ज्ञान दीपक, जानने वाले चैतन्य परमात्मा की जागृति। जैसे ही तुम जानने दो यही पर ही मैं यही पर ही मैं कल रात्रि की ही बात है जो मुझे अभी स्मरण में आई। आज मैं सुबह ज्ञान दीपकों से मिलने वाला था, चैतन्य तत्व विचार के लिए आज सुबह मेरा मिलने का विचार था। रात्रि में ये भाव भी आया था, मगर कल आध्यात्मिक साधना केंद्र में ऐसा हुआ, आध्यात्मिक साधना केंद्र के प्रेसिडेंट मोटा भाई
कल बहुत सारा रंग लेकर के आए हैं। यहां महावीर जिनालय का निर्माण हुआ है, रंग होगा। अब कोरोना की वजह से प्रतिष्ठा कब होगी ये पता नहीं है, मगर रंग लेकर के अभी से आ गए। मुझे ये ठीक नहीं लगा कि अभी प्रतिष्ठा नहीं करनी, ये रंग की क्या जरूरत है। रंग हो जाए, मगर जब प्रतिष्ठा करे तब तक वो पुराना हो जाएगा। तो मगर उन्होंने एक बात जो मुझे कही, कल रात्रि का अंतिम विचार मेरा वही था। उन्होंने कहा अभी मंदिर बना है, अब रंग ही बाकी है, रंग कर देते हैं, क्योंकि रंग के व्यापारी ने ये गारंटी दी है कि 5 बरस तक कुछ भी नहीं होगा। और एक बात कि रंग होने के बाद में यदि तुम पानी डाल करके धुलाई करो तो भी ये रंग ऐसा है कि जाएगा नहीं, ये रंग जाएगा नहीं। धुलाई करो, धो लो मंदिर को, मगर रंग नहीं जाएगा। और कल रात्रि में मैं यहीं से ही उठा था। यहां पर परमात्मा विराजमान है, अभी मंदिर में नहीं, अलग से देख रहे हो, यही विचार चल रहा था। सुबह मैं आपको मिलने वाला था मगर मिल नहीं सका, क्योंकि रात्रि में पूरी रात भर ये जो विचार चला, और सुबह जब मैं उस समय आंख खुलने की तैयारी कि फिर जो उस विचार ने रूप लिया कि मैं आपसे मिलने से पहले स्नान करने के लिए चला गया। मैं स्नान कर रहा था मगर मैं स्नान नहीं कर रहा था, मंदिर की जो रंगी हुई दीवार है वो धुली जा रही, शरीर पर पानी डाला जा रहा था। मैंने ये देखा कि मंदिर, जिस मंदिर में रंग तो हो चुका है पहले से ही, ये रंगीन मंदिर पर पानी डाला जा रहा है। और परमात्मा मंदिर में कहीं पर भी नहीं है, अभी तो प्रतिष्ठा ही नहीं हुई, कभी न हो सके ऐसी ये प्रतिष्ठा है जो देह में प्रतिष्ठित हो ही नहीं सकता, ऐसा ये परमात्मा है। और इसी विचार में रात्रि के दौरान परमात्मा मंदिर में नहीं है और मंदिर की धुलाई हो रही, वहां पर मैंने देखा कारीगर है मंदिर को धो रहे हैं, कारीगर मंदिर की धुलाई कर रहे हैं, कारीगर धुलाई कर रहे हैं, मगर मंदिर तो मंदिर की धुलाई नहीं करता। यहां तो मंदिर नहीं, अपने हाथ फैलाए मंदिर की धुलाई करने के लिए, परमात्मा हो तो धुलाई करते, मगर जहां परमात्मा नहीं वहां धुलाई कैसी। जो चैतन्य सत्ता देह के परमाणु में मिश्रित नहीं, ऐसी ये ध्रुव, ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व मंदिर में कहीं पर भी नहीं, ये चैतन्य परमात्मा तत्व मंदिर में प्रतिष्ठित नहीं होने वाला, विराजमान स्थापित नहीं होने वाला। ये मंदिर की क्रिया, ये मंदिर की क्रिया, वहां तो जब प्रतिष्ठा होगी तब होगी। मैं तुमसे ये कहता हूं कि दिन भर तुमने जो शब्द सुने, लोगों से मिले, जो चर्चा हुई, बस तुम्हारी रात्रि भी ऐसे ही हो जाए। मगर जिनका दिन नहीं,
डॉक्टर लोग कहते हैं यदि तुम्हारी रात्रि अच्छी रही तो दिन अच्छा, अच्छी तरह सो लेना, यदि नींद ठीक तरह से नहीं हुई तो दिन में तुम्हें बेचैनी होगी। मैं कहता हूं तुम्हारा दिन यदि ठीक रहा तो रात्रि भी ठीक रहेगी, ये रात्रि भी ठीक रहेगी। तब हे ज्ञान दीपक, ऐसी सहज निर्विकल्प अनुभूति तत्व विचार के फल में तुम्हें अवश्य प्रकट होगी भगवान, मगर इस रहस्य को समझ लेना, बस पर और प्रभाव पर जोर नहीं, ज्ञान पर जोर। तुम्हें ज्ञान की अनुभूति करनी है तो ज्ञान पर तुम्हारा जोर हो। तुम्हें चावल चाहिए, तुम छिलके को ही मत कूटते रहना। तुम्हें तेल चाहिए, तुम रेत को ही मत पेलते रहना। तुम्हें घी चाहिए, मगर पानी को ही मत बलोते रहना। और तुम्हें अनुभूति चाहिए तो विकल्पों की जाल पर आरोपण मत करते रहना कि कब मिटे विकल्प, कब मिटे विकल्प। स्वरूप के आश्रय से यह सपने से छुटकारा हो सकता है। आज स्वानुभूति से स्वरूप समझ लुधियाना की ओर से आयोजित, ज्ञान दीपक की ओर से आयोजित इस शिविर में ज्ञान दीपकों की भावना थी, स्वरूप स्वरूप और स्वरूप पर सत्संग हो, और कल का जो दिन है, जो मैंने कहा जीवन का अपूर्व दिन, टन टना टन टन, 10 तारीख है, 10वां महीना है, 10-10, ट्वेंटी ट्वेंटी, 10-10, 20-20, उसके कुछ रहस्य है जो मैं कल कहने वाला हूं। कल एक अपूर्व रचना आपके पास पहुंचने की संभावना है। रचना पहुंचे या न पहुंचे, मगर अब लंबा इंतजार नहीं कर सकता। उस रचना के रहस्य को तुम्हें सुनाने में इसी के संबंध में स्वानुभूति से स्वरूप समझ SSSS कल का सत्संग भी SSSS पर होगा, 10-10 पर होगा। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने साथ में मिलकर मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरे अपने विचारों को इतनी प्रीति से सुना, ऋण रहा आप परमात्माओं का, मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। Karuna Sindhu
जो था